अखिलेश के भतीजे की जीत पर ग्रहण लगाने के लिए बीजेपी बेताब। करहल में दो कद्दावर नेताओं की बेटियों में से किसी एक पर बीजेपी लगाएगी दांव। एक कद्दावर नेता पर कभी अखिलेश ने किया था विश्वास, तो दूसरा कद्दावर नेता कभी मुलायम का रहा था खास। दो कद्दावर नेताओं की बेटियों में से किसी एक को मिलेगा टिकट। दोनों महिला नेताओं को पिता की विरासत में मिल रही मदद। हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी का विश्वास लगता है अब ओवर कॉन्फिडेंस लवरेज हो गया है। बीजेपी अब ऐसे ऐसे होमवर्क को पूरा करने का प्रण ले रही है जो सालों और दशकों से पार्टी नहीं कर पाई। खासकर आडवाणी वाजपेयी युग में भी जो काम बीजेपी नहीं कर सकी थी वो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह की टीम कई बार प्लान कर अंजाम तक पहुंचा चुकी है। हरियाणा चुनाव से ओवर मोटिवेट बीजेपी यूपी में अब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के अभेद दुर्ग करहल को भेदने की रणनीति बना रही है। सपा की ओर से करहल के रण में तेज प्रताप यादव उम्मीदवार हैं। अब अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव को मात देने के लिए बीजेपी ने यूपी की राजनीति में कद्दावर रसूख रखने वाले दो खाटी जमीनी नेताओं की बेटियों में से किसी एक को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। माना जाता है इन दो नेताओं में से एक नेता सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की कभी करीबी रहे। इनका अखिलेश ने ऐसे वक्त में साथ दिया था जब बीजेपी से इनका मोह भंग हो गया था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया ये खुद को अखिलेश से ऊपर समझने लगे और सपा से नाता तोड़कर एक अलग पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। ये और कोई नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। माना जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संगमित्रा मौर्य पर बीजेपी करहल के रण में दांव लगा सकती है। वहीं बीजेपी के कद्दावर नेता की बेटी को भी करहल से बीजेपी टिकट दे सकती है। इस नेता को कभी सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने सहारा दिया था। माना जाता है मुलायम सिंह की मदद की बदौलत इस नेता की राजनीति स्थापित हुई। ये नेता कोई और नहीं एसपी सिंह बघेल हैं। माना जा रहा है एसपी सिंह बघेल की बेटी को भी करहल से टिकट मिल सकता है। दरअसल यूपी के 10 विधानसभा सीट पर अगले कुछ दिनों में उपचुनाव होने हैं। हरियाणा जीत से उत्साहित बीजेपी को लगने लगा है जब हरियाणा में गैर जाट वोटों को साधा जा सकता है तो करहल में मुस्लिम यादव समीकरण को साधना कौन सी बड़ी बात है। ऐसे में करहल को साधने के लिए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी सक्रिय हो गए हैं। दिल्ली में पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में मीटिंग हुई। सपा मुखिया अखिलेश यादव के इस्तीफे के चलते करहल में उपचुनाव होना है। दो दशक से यह सीट सपा का भेद गढ़ कहा जाता है। इस दौरान बीजेपी सहित कई विपक्षी पार्टियां एसपी को लड़ाई तो दूर कभी मजबूत चुनौती भी नहीं दे पाईं, लेकिन इस बार बीजेपी इस किले में ऐसी घेराबंदी कर रही है जिससे सपा की नाक का सवाल बनी करहल के दुर्ग में सभी सिपाही दिग्गजों को घेरा जा सके। इसके लिए बीजेपी जातीय लिहाज से मजबूत प्रत्याशी सपा के सामने उतारने की तैयारी में है। सपा ने मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी के टिकट दावेदारों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन बीजेपी आलाकमान चुनावी मैदान में वैसे उम्मीदवार को उतारने की रणनीति में जुटी है जिससे यादव के 40% और मुस्लिम के 5% वोट बैंक के साथ साथ अन्य जातियों के 55% वोटर भी पसंद करते हों। तो इस लिहाज से देखें तो लंबे समय से हाशिए पर चल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संगमित्रा मौर्य को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। संगमित्रा मौर्य पहले भी बीजेपी के टिकट पर सांसद रह चुकी हैं, लेकिन पिछले चुनाव में पिता के बगावत करने के कारण बेटी को टिकट नहीं। बीजेपी गैर मुस्लिम यादव वोट बैंक को साधने का प्रयास में लगी है। बीजेपी इसके अलावा भी मुलायम सिंह के सामने चुनाव लड़ने वाले पुराने भाजपाई प्रेम सिंह शाक्य को चुनावी मैदान में उतार सकती है। करहल से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की बेटी सलोनी बघेल के नाम को लेकर भी चर्चा है। शिवम चौहान, अशोक चौहान और योगेश प्रताप बघेल के नाम की भी चर्चा है, लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ सीटों पर इस बार आलाकमान प्रदेश को नाम फाइनल कर भेजेगी और फिर इसके बाद उपचुनाव होंगे। बीजेपी ने करहल जीतने के लिए मैनपुरी को सियासी लिहाज से मजबूत करने के लिए प्रतिनिधित्व भी दिया। जयवीर सिंह को बड़ा मंत्रालय देकर कैबिनेट मंत्री बनाया और मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले प्रेम सिंह शाक्य को पैक्स फेड का अध्यक्ष बनाया, लेकिन यह सीट अब भी बीजेपी के लिए चुनौती बनी है। करहल में अगर जातीय समीकरण के लिहाज से देखा जाए तो कुल वोटरों में लगभग 40% यादव हैं और लगभग 5% मुस्लिम। सपा यहां करीब 45% कोर वोटर के साथ मजबूत स्थिति में है। वहीं बीजेपी की नजर करहल में बघेल, शाक्य और लोधी समुदाय के 80,000 से ज्यादा अधिक वोटों पर है। ब्राह्मण क्षत्रिय वोटरों की संख्या भी करहल में 50,000 के करीब है। इसके अलावा लगभग 50,000 के करीब एससी वोटर हैं। साल 2022 में भाजपा को यहां 80,000 वोट मिले थे, इसके बावजूद पार्टी हार गई थी।